हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाय पी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज हमारे पास है हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है चलिए आपको दिखाते हैं बाइक को स्टार्ट करके। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखिए आप कस्टमर है तब भी आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये जो दिक्कत है बाइक में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ही कम भाई। 5-10 साल में एक दो बार ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए दिक्कत क्या है, आप पहले देखिए, आप एक कस्टमर हो तो आप इस वीडियो को देखो। आपके पास सुपर स्प्लेंडर बाइक या ग्लैमर बाइक ये होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई सा भी बाइक हो, स्कूटी को छोड़कर कोई सा भी बाइक हो, तो आपके बाइक में भी ऐसा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। और जो बाइक को भाई कम चलाते हैं वो तो इस वीडियो को पहले देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्लच दबाए हुए है, बाइक गियर में है, लेकिन बाइक स्टार्ट में है, लेकिन इसका जो क्लच है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ब्रेक को फटक से दबा देंगे भाई, व्हील जाम हो जाएगा, बाइक बंद, बिल्कुल बंद। अगर मेन स्टैंड से बाइक को उतार दें हम, तो आप बाइक को, अगर बाइक गियर में होगा तो क्लच दबा के आप बाइक को हिला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्लच है वो काम ही तो नहीं कर रहा है। न्यूट्रल में सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब गियर में होगा उसका क्लच बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ओके भाई, तो ये जो दिक्कत है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारा सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को देखते रहना है आप लोगों को। और इस वीडियो को भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को, और अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लगे कि हाँ, हमने जो वीडियो में टाइम लगाया है वीडियो देखने के लिए, वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं गया है, कुछ काम में आया है, तब जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो ना करें, ठीक है। तो देखिए ये जो दिक्कत है, इसको भाई समझने के लिए या इसको आपको दिखाने के लिए पहले हमें क्लच कवर को ओपन करना पड़ेगा और इंजन ऑयल को ड्रेन करना पड़ेगा। तो इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए 17 नंबर वाले बोल्ट होते हैं, चलिए उसका लोकेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 17 नंबर वाले बोल्ट होता है, इससे आप इंजन ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं। तो देखिए भाई, क्लच को हमने ओपन कर लिया है, क्लच कवर को। अभी ये जो दिक्कत है कहाँ से है आपको दिखाने के लिए, पहले हमें ओपन करना पड़ेगा रोटर ऑयल फिल्टर को, उसके बाद जाके क्लच, कंप्लीट क्लच को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसका जो दिक्कत है क्लच रिलेटेड है। कुछ कुछ भाई लोग जो है वो समझ भी सकते हैं कि दिक्कत कहाँ से है, ठीक है। जो ये ऐसे जो हालत है, ऐसे जो दिक्कत है, जो सही किया है उसको पता है भाई कहाँ से हो सकता है, लेकिन आप एक कस्टमर हो तो भाई आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, रोटर ऑयल फिल्टर को पहले बाहर निकलवा चुके हैं हम, और अभी क्लच को खोलेंगे। और क्लच में भाई बहुत सारे चीज़ देखने को है, ठीक है। आप एक नए नए काम सीख रहे हो तो आपको भी ये सारा सब कुछ जानना है भाई, आपको खुद को भाई मजबूत बनाना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेगा, हर एक जानकारी मिलेगा आपको इसमें। तो देखिए, क्लच को जब अपने जो प्लेट होता है भाई, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और इसमें हब सेंटर, ये चारों चीज़ होता है क्लच कटोरा के, जो क्लच का कटोरा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, जब भाई ऐसे हालात में क्लच जो है हमारा, जब हब और सेंटर आपस में नहीं है, अटैच नहीं है, तब जाके क्लच हब और सेंटर को फ्रीली घूमना चाहिए, फ्री घूमना चाहिए, क्लच कटोरे से भाई अलग होके इसको घूमना चाहिए, लेकिन ये नहीं घूम रहा है। तो क्या है भाई, इसमें दिक्कत हो सकता है, एक तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में आपस में या तो जुड़ चुके हैं या इसमें कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट के अंदर। तो चलिए वीडियो में आपको दिखाते चलेंगे कि कौन सा दिक्कत है और कहाँ से। देखिए ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है भाई, ठीक है, ये पूरा जाम हो चुका है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए हमको पहले क्लच हब सेंटर प्लेट, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को बाहर निकलवाना पड़ेगा इस नाट को खोलकर। तो चलिए फटक से इस नाट को हम ओपन कर लेते हैं और
जो क्लच का जो टोटल कंप्लीट असेंबली है उसे बाहर निकालवा लेते हैं। ठीक है, तो इस गोटी से हम ओपन करेंगे क्लच को, तो देखिए नट जो है हमारा वो खुल चुका है। अभी जो हमारा क्लच असेंबली है उसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए वॉशर वगैरह सब कुछ बिंदास सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी क्लच असेंबली को बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि दिक्कत कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए फटक से निकालवा लेते हैं हम बाहर। तो देखिए इसमें भाई दिक्कत यहाँ से ही होगा, होने वाला है। देखिए कुछ कुछ प्लेट इसमें फ्री मूवमेंट, इसमें कुछ प्लेट है जो प्रेशर प्लेट से आपस में लिपट चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्लच सेंटर है वो बाहर आ चुका है। प्लेट हर एक प्लेट को देखेंगे, प्रेशर प्लेट को भी देखेंगे, स्टील प्लेट जो है उसे भी देखेंगे कि दिक्कत कहाँ से है। एक प्लेट तो बाहर आ चुका है, देखिए ये वाला जो स्टील प्लेट है ये बाहर नहीं आ रहा है। इसके साथ दूसरा जो क्लच प्लेट है वो जुड़ चुके हैं आपस में। ठीक है, ये जो कंप्लीट देख रहे हैं ना, ये आपस में बिल्कुल जुड़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इसे थोड़ा सा बारीक से थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या होता है और ये दिक्कत आया क्यों। ठीक है, तो इसे हम खोलने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो देखिए थोड़ा सा प्रेशर में ये तो अलग हो चुका है, लेकिन स्टील प्लेट के साथ अभी भी क्लच प्लेट अटैच है। ठीक है, और देख सकते हैं इसमें जो क्लच प्लेट का लेदर है वो स्टील प्लेट के साथ या प्रेशर प्लेट के साथ कुछ कुछ जगह पे वो निकाल चुके हैं। क्लच प्लेट इसका ख़राब हो चुका है, और डिटेल में आपको दिखाते हैं थोड़ा सा खोल खोल के जो है पूरा डिटेल में दिखाएंगे। देखिए क्लच प्लेट का जो लेदर है वो कुछ कुछ जगह से हट चुके हैं, देखिए इधर से। ठीक है, क्योंकि ये लिपट चुका है भाई स्टील प्लेट से, और ये होने का जो मेन रीज़न है भाई क्या है, देखिए कस्टमर ने बाइक को खड़ा कर दिया था, घर पे खड़ा कर दिया था लगभग बहुत दिनों तक, और इसमें बाइक जैसे खड़ा था किया था उन्होंने वैसे ही इस बाइक को भाई स्टार्ट भी नहीं किया। इसीलिए क्या है, जो हमारा क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, इंजन ऑयल इनको नहीं मिला, इंजन ऑयल जो था वो नीचे था बाइक के, तो इसी वजह से इंजन ऑयल इसको नहीं मिला। और प्रेशर प्लेट में क्या होता है भाई, जंग आते हैं, अगर इसमें लुब्रिकेशन नहीं रहेगा ना तो इसमें जंग आएगा, क्योंकि स्टील प्लेट वो भाई लोहे का भी मेटल इसमें होता है, लोहा भी होता है इसमें। ठीक है, आप कह सकते कि इसमें ज़्यादातर लोहा होता है, और आप लोग देख सकते हैं कि हम स्क्रू ड्राइवर से इधर स्क्रैच कर रहे हैं, और ये जो निकल रहा है भाई ये और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लच प्लेट का लेदर है। ठीक है, तो खड़ी करने की वजह से ये जो दिक्कत है इसमें इस बाइक में पैदा हुआ है। और अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे मिलेगा, इसका प्रेशर प्लेट चेंज करेंगे, साथ में इसका क्लच प्लेट चेंज करेंगे, हब सेंटर को चेक करेंगे, अगर ख़राब होगा तो चेंज करेंगे, क्योंकि इंजन बड़बड़ नहीं खुलता है भाई। ठीक है, स्क्रीन ऑयल फिल्टर जो होता है वो तो पहले चेक होगा, वो साफ़ होगा। ओके, और ये जो दिक्कत है भाई, आपको फ्यूचर में ये दिक्कत देखने को, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ये दिक्कत आपके साथ भी ना हो, तो आप क्या करें, बस बाइक को अगर घर पे खड़ा कर देते हैं तो उस दौरान भी बाइक को स्टार्ट करें एक दो बार, हफ्ते में एक दो बार उसको स्टार्ट करें। जो बाइक में लुब्रिकेशन की ज़रूरत होता है वो हर इंजन के हर एक कोने में पहुँचे इंजन ऑयल हमारा, तो स्टार्ट अगर करते रहेंगे तो ये दिक्कत आपके बाइक में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने बाइक को सेफ और सही रख सकते हैं और मोटा खर्चे से बचा सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपके दोस्तों को कुछ मदद हो सके तो, और वीडियो भाई अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।